उत्तरकाशी में चल रहा सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन आखिर मुकाम पर पहुंचकर डगमगा गया। अंदर फंसे मजदूरों का हौसला भी अब साथ छोड़ने लगा है। मजदूरों के घर वालों की टेंशन बढ़ रही है। इस लंबे होते इंतजार की वजह है ऑगर मशीन की खराबी। ड्रिलिंग के रास्ते में मेटल आने से ऑगर मशीन खराब हो गई है। मशीन खराब होने से ड्रिलिंग का काम पूरी तरह ठप है। खराब ऑगर मशीन टनल में फंसी हुई है। आज रेस्क्यू ऑपरेशन के 15वें दिन सबसे पहले टनल में फंसी ऑगर मशीन को बाहर निकाला जाएगा। टनल में फंसी ऑगर मशीन को बाहर निकालने के लिए प्लाज्मा कटर मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन मंगाई गई है। ऑगर मशीन से अब तक टनल में 46.8 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए अभी करीब 12 मीटर की ड्रिलिंग होना बाकी है। अब ड्रिलिंग का काम मैन्युअली किया जाएगा, यानी अब मजदूर गैस कटर के साथ टनल में जाएंगे और आगे का रास्ता बनाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस से रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादा वक्त लग सकता है। माना जा रहा है कि मशीन खराब होने से रेस्क्यू पूरा होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। जिस इलाके में टनल बन रही है, जहां मजदूर फंसे हैं, वो इलाका प्राकृतिक तौर पर संवेदनशील है, इसलिए यहां रेस्क्यू ऑपरेशन में भी बेहद सावधानी बरती जा रही है। जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, यहां मौसम भी बिगड़ रहा है, इसलिए अगले चंद दिन रेस्क्यू ऑपरेशन के लिहाज से बेहद अहम है।